हाय फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सेलिंग। सेलिंग को कैसे हम क्रिएट करते हैं, तो आज हम रेबिट में सेलिंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सेलिंग को कैसे क्रिएट करते हैं रेबिट में। हम सबसे पहले, हमें सेलिंग बनाने से पहले हमारे पास कोई एक प्लान होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, आर्किटेक्चर में सेलिंग है। सेलिंग टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोमेटिक सेलिंग होता है और एक स्केच सेलिंग होता है। तो इन दोनों के बारे में हम तब पढ़ सकते हैं जब हमारे पास कोई एक प्लान हो। दोस्तों, हम जल्दी से एक प्लान को क्रिएट कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको प्लान बनाने आता ही होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में प्लान बनाया, वॉल के टाइप्स पढ़े, डोर्स लगाए, विंडो लगाए, टाइप्स ऑफ रूफ पढ़ा, तो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। दोस्तों, अब हम एक छोटा सा प्लान बना लेते हैं जल्दी से। हमने एक वॉल लिया, वॉल लेने के बाद हमने एक प्लान को क्रिएट कर लिया। ठीक है, हम एक प्लान रेक्टेंगल से ही क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ से दोस्तों, हमने जो प्लान बनाया, तो इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें आप देखो, जैसे कि हमने ये प्लान रेक्टेंगल से बनाया, हम इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 55 फीट है, हमने 40 फीट करना है, 40 फीट हमने कर दिया। फिर इसको हमने क्लिक किया, तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज हुआ। और जब हम इसमें इसको क्लिक करेंगे, तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा। मीन्स अब हमें इसे करना है 30 फीट। तो ये 30 बाई 40 का भी क्या, ये एक प्लान बन गया। इसमें हम प्लान बना लेते हैं। वॉल लिया, वॉल में हमने इधर से 12 फीट का रूम बनाया, 12 बाई 12 का रूम बनाया। इधर से भी एक हमने रूम बना दिया इसको। चलो, तो ये भी रूम बना दिया। ये आपके हो जाएंगे वॉशरूम, दोनों के अटैच वॉशरूम हो जाएंगे। सॉरी, वॉल लिया, फिर से थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि हमें दिक्कतें ना हो इसके मिड पॉइंट से। हमने ये बना लिया प्लान। अब यहाँ से हम एक यहाँ से बाउंड्री कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ एक किचन दे देंगे। दोस्त, आप भी इस तरह से एक प्लान को क्रिएट कर सकते हो। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। और फिर हमने यहाँ भी एक वॉल लगा दिया। दोस्तों, हमने देखो कितनी जल्दी से एक प्लान भी बना लिया है। अब हमें इसे 3D में देखेंगे। देखो, हमने 3D में देखा है इसको। आप देख सकते हो 3D में ये आपके प्लान बन गए, ब्रिक वाले। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जल्दी से हम इस पर एक फ्लोर भी लगा लेते हैं। हमने फ्लोर भी पढ़ चुका है। फ्लोर लिया हमने, फ्लोर में हमने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेके हमने ऑफसेट डाल दिया। इसमें हमने 2 फीट का एक ऑफसेट डाल दिया। हमने फ्लोर भी लगा लिया। अब इसे 3D में देखेंगे। देखो, हमने फ्लोर लगा लिया यहाँ पे नीचे, देख सकते हो दोस्तों। अब इसमें जल्दी से हम एक डोर्स भी लगा लेते हैं। डोर्स लगा दिया। अगेन इस पे देखो कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए स्पेस को प्रेस करेंगे। स्पेस इस तरह से दोस्तों, आप भी प्लान को क्रिएट कर सकते हो। आप देख रहे हो कितनी आसानी से एक प्लान बन जा रहा है रेविट में। तो आप भी कोशिश करें दोस्तों, सीखें। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर ये है, बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर भी है। आप बहुत इजी कर भी सकते हैं, सीख सकते हो दोस्तों। यहाँ हमने एक दूसरी विंडो लगा डोर्स लगा लिया। लोड पे गए, लोड में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा दिया है पहले पिछले वीडियो में। आप देख के इजीली आप कर भी सकते हो।
मैं लेना है डोर्स, लाइब्रेरी में गए, इंडिया डोर्स, डबल पैनल के डोर्स चाहिए हमें, डबल पैनल्स के हमने डोर्स यहाँ से ले लिया ये, ओके किया, देन ओके। दो ये हमने डबल पैनल का यहाँ भी एक लगा दिया, और इसे चाहे तो आप कट कर सकते हो यहाँ से। कट करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम, स्प्लिट करते हैं, तो स्प्लिट SL, सिंपली हम कीबोर्ड में SL लेंगे और इसको कट कर दें। कट करने के बाद अभी इसे इजीली आप डिलीट कर सकते हो। अब जल्दी से हम विंडो लगा लेते हैं दोस्तों, तो विंडो लगाने के लिए हम यहाँ से कोई दूसरी टाइप की विंडो ले लेते हैं, थोड़ा सही दिखे हमें। और हमने यहाँ से इंडिया लिया, इंडिया में लास्ट में विंडोज़ होगा, विंडोज़ में आप देख सकते हो बहुत तरह के विंडोज़ हैं यहाँ पे। हमने ये विंडो लिया और यहाँ हमने फिट कर दिया। तो हमने यहाँ भी एक विंडो लगा लेते हैं, हमने यहाँ भी एक विंडो लगा लिया। हमारे डाइनिंग हॉल है, हमने इसमें विंडो भी लगा लिया। अब दोस्तों देखोगे, देखेंगे फ्रिज में कितनी खूबसूरत दिखेगी प्लान, देख सकते हो आप, आपके एक बिल्कुल बढ़िया सा प्लान भी हो गया है। अब हम इस पे क्या करेंगे दोस्तों, देखो रूफ लगाने से पहले हम सेलिंग को क्रिएट करते हैं, सेलिंग लगा लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें सारे काम हमने कर लिया, एक प्लान भी बना दिया, उसमें वॉल को क्रिएट कर दिया, फ्लोर कर दिया, आपके डोर्स भी लगा लिए, विंडो भी लगा लिए। अब हमें क्या करना है, सेलिंग को क्रिएट करना है। मेन टॉपिक आज का हमारा क्या है, सेलिंग करना, ठीक है दोस्तों। तो आप अब सेलिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे सेलिंग प्लान्स लिखा हुआ है, तो सेलिंग प्लान्स में जाएंगे और हमें लेवल फर्स्ट पे काम करना है। लेवल फर्स्ट पे गए, ठीक है, फर्स्ट पे आ गया हमने। देखो अब हम सेलिंग पे क्रिएट, यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाएंगे और सेलिंग पे क्लिक कर देंगे। देखो टू टाइप्स के सेलिंग है, एक ऑटोमेटिक सेलिंग, एक और सेकेंड इज स्केच सेलिंग। तो देखो दोस्तों ऑटोमेटिक सेलिंग में क्या है, जब देखो हमारा, जब हम ये माउस को घुमा रहे हैं तो हमारा ये क्या हो रहा है कि इसके साथ ये भी हिडन फाइल में आ रहा है। हाँ तो दोस्तों देख रहे हो, अब हिडन फाइल में आ रहा है, हिडन में आ रहा है ना, लेकिन जब भी हम जब प्लान में ले जा रहे हैं तो एक देखो एक लाइन क्रिएट हो रहा है, ये लाइन ही ऑटोमेटिक का शो कर रहा है कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलिंग बन जाएगा हमारा। देखो ऑटोमेटिक सेलिंग हमारा ये बन जाएगा, ठीक है दोस्त। अगर हम लेवल टू पे जाके करते हैं तो देखो आपके ये ऑटोमेटिक सेलिंग था, इसको 3D में जाके हम देख सकते हैं। 3D में गए, देखो आपके ये सेलिंग बन गया। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, जहाँ पे हमारा जितने पे एलिवेशन प्लान रहेगा उतने पे ही उसके इसकी कुछ डिफरेंट हाइट होता है सेलिंग की। देखो जब हम यहाँ पे सेलिंग में लेवल फर्स्ट पे वर्क कर रहे थे, फिर से हमने सेलिंग लिया, तो देखो इसकी जो प्रॉपर्टी चल रही है, आप इसको देख सकते हो, प्रॉपर्टी जो इसकी चल रही है साइड में, आपके राइट साइड में, तो इसमें देखो आपके लेवल लिखा हुआ, हाइट ऑफसेट, यहाँ देखो यहाँ पे ऑफसेट 8 फीट का। तो जब भी ये बनेगा 8 फीट पे बनेगा, इसे आप ज़्यादा कर सकते हो, हमें बनाना है 12 फीट पे, तो अब जो भी बनाएंगे हमारा 12 फीट पे बनेगा। देखो 12 फीट पर बनेगा, देखो कैसे देख सकते हैं 3D में जाके, देखो ये कुछ अलग बना और ये इसके पहले वाला कुछ अलग बना। तो इसे भी अगर कुछ करना है आपको, इसे भी आपको ऊपर करना है, तो इसको क्लिक किया सिंपली और इसकी हाइट को हमने चेंज कर दिया कि 12 फीट ये भी बनेगा हमारा। देखो ये 12 फीट का हो गया, फिर इसे भी अगर क्लिक किया और इसको भी दे दिया हमने हाइट 12 फिट, तो ये भी आपके 12 फिट पे बन गया। इसको इजीली हमें देखने के लिए क्या करेंगे दोस्त, कि हम यहाँ पे रियलिस्टिक को क्लिक कर देंगे, रियलिस्टिक खोलेंगे और ये आपकी बिल्डिंग रियल में दिखेगी। क्योंकि हम रियलिस्टिक पे वर्क नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि रियलिस्टिक में हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखो शेडेड में करते हैं, शेडेड में, रियलिस्टिक में करने से हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, इसलिए हम रियलिस्टिक पे वर्क नहीं करते हैं। लेकिन जो जो चीज़ें हम यहाँ ऑब्जेक्ट को बनाते हैं वो क्लियर रियलिस्टिक से ही दिखता है, ठीक है दोस्तों।
तो हम अभी रियलिस्टिक को बंद करते हैं यहाँ पे, शेडेड में करते हैं। शेडेड में आप देख सकते हो सेलिंग जो हमने बनाया, इसके ऊपर से ग्रिड दिख रहा है बिल्कुल, नीचे से भी आप देखने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इस वॉल को हम यहाँ से हाइड एलिमेंट कर लेते हैं। हाइड एलिमेंट किया, आप देख सकते हैं इसे हम रोटेट करके दिखा रहे हैं आपको। सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है ना रियलिस्टिक पे। लेकिन ये क्या था दोस्त, कि जब हमने ये सीलिंग बनाया तो ये हमारा प्लेन सीलिंग है, इसलिए नीचे से कोई डिजाइन नहीं दिख रहा है, कोई भी डिजाइन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले को सीलिंग को एक को डिलीट करते हैं, इस वाले को हम डिलीट हमने कर दिया। अब फिर से हम गए कि यहाँ पे लेवल फर्स्ट पे और हमने लिया सीलिंग, सेलिंग में ऑटोमेटिक ही रहेगा। यहाँ से देखो प्रॉपर्टीज में हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरी सेलिंग लगा लेंगे हम। देखो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन दिख रहा है आपको, हमने लगा लिया ग्रिड की सेलिंग, 600 mm इंटू 1200 mm ये लिया और हमने इस पर क्लिक कर दिया। देखो आपके यहाँ पे ग्रिड आ गया, ग्रिड आ गया यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रिड आ गया। पहले वाले में क्या था, प्लेन था। अब इसे भी लगाना आपको, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। फिर आपके ये आपके डाइनिंग हॉल है, इस पे लगाना है आपको, हमें कुछ अलग सा लगाना है, हमें 600 × 600 mm का लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर, देखो आपके इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट है ग्रिड में। तो ऑटोमेटिक में क्या है दोस्तों, इसी तरह से ऑटोमेटिक में हम बिल्कुल ऑटोमेटिक ही लग जाता है कि हमें इस कहीं भी बिल्कुल बीच में ले जाएंगे दो एक प्लान के, और ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप 3D में देख के देख सकते हो कि इसके अंदर की डिजाइन भी आ जाएगा आपको। देख रहे हो दोस्तों, अब इसे हम घुमा कर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हो कि आपकी सेलिंग की कुछ इस तरह से प्लानिंग, कुछ इस तरह से डिजाइनिंग आ रही है। आप जब जाओगे ना सर, कहीं कहीं मॉल में जाओगे तो आपको इस तरह के सेलिंग सेलिंग ही लगाते हैं उसमें फिनिशिंग के लिए, तो इस तरह के आपको दिख सकता है। ये सेलिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। हमने अब क्या किया, रियलिस्टिक को बंद कर दिया या अभी रहने देते हैं, इसको अब डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट किया, अगेन इसे भी डिलीट कर दिया और इसको रहने देते हैं। अब क्या करना है, फिर से लेवल सेलिंग के लेवल फर्स्ट पे जाते हैं। अब हम सेलिंग बाई स्केच पढ़ेंगे, सेलिंग और स्केच सेलिंग। स्केच सेलिंग में क्या होता है, जब स्केच सेलिंग हम क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडिफाई फॉर्म में आ जाएगा। मॉडिफाई फॉर्म में इसमें उसको एक लाइन से बनाओ और सर्कल बनाओ, एलिप्स, आर्क, जो भी बनाना है बना सकते हैं आप। हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद क्या किया हमने, इसमें कोई ऑफसेट अगर है तो ऑफसेट डाल दो, नहीं है तो सिंपली यहाँ से एक लाइन लो और यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आपके इसे फिनिश करें करना पड़ेगा। फिनिश किया हमने, बन गया ये। सेम वही चीज़ बनेगा आपको, बट इसमें स्केच है। स्केच मीन्स होता है लाइन से कुछ ड्रॉ करना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, और इसमें क्या है कि अगर हमने इसको कंट्रोल जेड किया फिर और कट कर दिया, बिल्कुल श्योर। और यहाँ से सेलिंग लिया, सेलिंग में सेलिंग स्केच सेलिंग, स्केच से लिया गया हमने, एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ से हमने ऑफसेट डाल दिया 2 फिट, 2 फिट का ऑफसेट हमने डाल दिया। तो 2 फिट जब क्लिक किया यहाँ पे तो बाहर से 2 फिट बन रहा, हमें तो बाहर जरूरत ही नहीं सेलिंग का। तो क्या करेंगे हम, सिंपली स्पेस को जब प्रेस करेंगे तो हमारे अंदर से 2 फिट हो जाएगा, अंदर से 2 फिट हो गया। अब इसे हम फिनिश करेंगे और आप देख सकते हो अंदर से 2 फिट है ये। देखो वॉल पे अटैच नहीं है, आपको ये वॉल नहीं दिख रहा। देखिए एक मिनट, अभी मैं रोटेट करेंगे तो दिख जाएगा आपको। बिल्कुल वॉल से बाहर है आपके, है ना। इसे लेवल फर्स्ट पे जाते हैं सेलिंग के, और हम क्या करते हैं कुछ इसमें डिजाइनिंग बनाते हैं। डिजाइनिंग बनाने के लिए हमने एक बीच में बना लिया, अब हम बाहर से भी बनाते हैं बाहर से। ठीक है, क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इसको 3D में जाते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हमने क्या किया, चलो सही है, ठीक है सही है। हमने लेवल फर्स्ट पे गया सेलिंग के और हमने फिर से एक आर्किटेक्चर में गया और सेलिंग लिया, सेलिंग बाई स्केच लिया। ठीक है, सेलिंग बाई स्केच लेने के बाद हमने एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे,
फिर अगेन एक और रेक्टेंगल लिया और यहाँ हमने एक ड्रॉ कर दिया और फिनिश कर दिया। देखेंगे आप कि ये कट हो गया बिल्कुल। अब क्या है कि इसकी हमें अलग से हाइट देनी थी, तो हम थ्रीड में गए, इसकी हमें नीचे तक हाइट लेनी है, तो हमने इसकी दे दिया 10 फीट, 10 फीट का हमने दे दिया इसका 10 फीट। तो आप देखोगे 10 फीट पे ये बन गया, ठीक है दोस्त, 10 फीट पे हमारा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इस पे वॉल को क्रिएट करना है, वॉल लगाना है इस पे। तो अब हम इस पे सेलिंग पे जाएंगे। सेलिंग में हमने क्या किया, अब वॉल लिया, यहाँ से वॉल को बनाना आपको, यहाँ से हमने क्या किया वॉल लिया, हाँ। तो दोस्तों हम देख रहे थे इस पे हम क्या करेंगे, अब सिंपली एक वॉल को क्रिएट करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से एक वॉल लिया, यहाँ क्रिएट किया, यहाँ पे क्रिएट किया, फिर यहाँ और फिर इससे अटैच कर दिया, ठीक है। ये जोड़ा नहीं, इसको भी जोड़ दिया, ठीक है। हमने एक वॉल बनाया। अब इसको कमांड से बाहर जाते हैं और 3D में जाकर देखेंगे। देखो आपकी वॉल तो बिल्कुल ओवरलैप हो गया सब पे, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ से चाहिए, बेस से चाहिए कितना, तो आप इजीली इसको खींच के यहाँ तक कर भी सकते हो, ठीक है। और फिर इसको भी आप इसको इस पे, अगर आपको पता है, एक्यूरेट पता है, तो एक्यूरेट डाल देंगे हम इस पे, है ना, जिसे इसको करते हैं हम। इसका क्या है कि बेस कंटेंट, देखो बेस ऑफसेट हमारा कितना है, यहाँ से डाल देते हैं 10 फीट, 10 फीट डाल दिया, 10 फीट भी बिल्कुल चला गया। और टॉप से डालते हैं, अब टॉप से क्या है, इसको क्लिक किया और टॉप कंटेंट कितना है इसमें, टॉप से आपको 12 फिट, 12 फिट पे हमने रख दिया। आप देखोगे 12 फिट, सॉरी 12 फिट है, अनकनेक्टेड करना है बेस से, बेस ऑफसेट 10 फिट दे रहा है बेस ऑफसेट, इसको आप क्या करो सिंपली 2 फीट कर दो। आप देखोगे 2 फीट पे ही चला गया ऑटोमेटिक। तो इसको अगेन अब क्या करें, एम ए मैच प्रॉपर्टी लो, इससे इसको मैच कर देते हैं, इसको मैच कर देते हैं, और अगेन इसको मैच कर देते हैं। आप देखेंगे ऑटोमेटिक अपने अपने जगह पे चला गया मैच प्रॉपर्टी। अब सिंपली इसे हम क्या करेंगे, हम रोटेट करके देख सकते हैं नीचे से, दोस्तों देखो देख सकते हैं आप सिंपली। अब क्या है कि हमारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हम जब ये ब्रिक लिए ना, तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज हो रहे होंगे। इसको क्या करते हैं, कुछ और कलर हम चेंज कर देते हैं। एडिट में गए, एडिट में डुप्लीकेट नहीं करेंगे, एडिट कर देते हैं इसको, थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं, 5 इंच का वॉल कर लेते हैं, ब्रिक कॉमन है इसमें, मटेरियल को चेंज कर लेंगे। हमारा अभी जो रेबिट पे हम जिस पे हम काम कर रहे हैं रियलिस्टिक पे है, इसलिए थोड़ा सा सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है। यहाँ से आप पेंट ले लो, पेंट लिया हमने, कुछ अलग सा पेंट कर दिया हमने इस पे। अपीयरेंस में देखते हैं कौन सा कलर आ रहा है, अपडेटिंग हो रहा है, यहाँ भी कलर दिख ही रहा है हमको। चलो इसमें कुछ कलर लेना है आपको तो ले सकते हैं इजीली, हमने इसको लिया, ओके देन ओके ओके, हाँ
देखो दोस्त, हमने सारे बॉल हमारा क्या हो गए, एक ग्रीन टाइप के हो गया। इस थोड़ा ये इससे जुड़ा हुआ नहीं लग रहा, तो इसकी थोड़ी सी कम कर देंगे हम, 10 फीट नहीं सॉरी 11 फीट 8 इंच कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम इस पे, अब इसे हम देख इजीली हम इसे मूव करके रोटेट करके देख सकते हैं। देखते हैं अभी हम, अभी हम इसे देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो किस तरह से हमने एक सेलिंग को क्रिएट किया यहाँ पे। अब चाह रहे हम क्या चाह रहे हैं कि इस पे इस वाले पे लाइटिंग हो और इसमें फैन लग जाए, तो क्या करेंगे, लाइटिंग के लिए हम सेलिंग के प्लान पे जाएंगे और अब कंपोनेंट्स में जाएंगे। कंपोनेंट्स में जाने के लोड फैमिली करेंगे, लोड फैमिली के बाद अब इसमें देखेंगे, लाइब्रेरी में चले जाओ, लाइब्रेरी में इंडिया, इंडिया में लाइटिंग देखते हैं, लाइटिंग किधर है, लाइटिंग आपको इसमें होंगे कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रिकल है लाइटिंग, लाइटिंग यहाँ रहा ठीक है, आर्किटेक्चर लाइटिंग है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल है, ये हमें चाहिए इंटरनल लाइटिंग, इंटरनल में बहुत सारी लाइटिंग आ गई, हम कुछ इस टाइप का लाइटिंग लगा रहे हैं, ये चलो ये लगा देते हैं इस लाइटिंग को, हमने कंपोनेंट्स में गया, लोड फैमिली, लाइटिंग बहुत तरह की लाइटिंग है इसमें, हमने कुछ लाइटिंग ले लिया, ये वाला लैंप है, ये लाइटिंग लगा देते हैं। इस तरह से आप असेंबल यहाँ पे कर लेंगे लाइटिंग को। अब इसको 3D में जाकर हम देखते हैं दोस्तों, आप इसे देख सकते हो कि हमने किस तरह से इसमें लाइटिंग लगा दिया, बिल्कुल लाइटिंग दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी इसमें लाइटिंग लगा सकते हो, फिट कर सकते हो, सेलिंग की डिजाइन कर सकते हो। और अब हम इसके रिसेट कर देते हैं इस लाइन को, तो इस तरह से हम सेलिंग लगाते हैं और एक प्लान को क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।